हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में हम क्या सीखेंगे आइए देखते हैं। तो यहां से गूगल शीट को ओपन किया, देख सकते हैं यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है और यहां पर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर यहाँ पर इन सब नंबर्स का टोटल किया गया, फिर एवरेज कैलकुलेट किया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, देखिए ना यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है रैंड बिटवीन का, ठीक है, हमने इसे फिक्स भी नहीं किया है। तो अभी हम चाहते हैं इसको टेक्स्ट में बदलना, किसमें बदलना, टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट यानी कि ये टेक्स्ट बन जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर एंड डी बिटवीन आ गया है, ये मैंने पहले से लगा दिया, अभी आपको दिखाता हूं। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं तो रिजल्ट तो हमारा सेम एज रिमेन सेम रहता है, जो कि हमने रैंड बिटवीन लगाया था, तो ये तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे कि हर जगह रैंड बिटवीन ही आ रहा है, देखिए यहां तक पूरा रैंड बिटवीन ही चल रहा है ये। तो ये फॉर्मूला के साथ साथ ये टेक्स्ट कैसे आ गया और कैसे मैंने लगा दिया इसी के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कैसे मैंने लगाया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल पे चाहिए, आप चाहते हैं कि हर जगह टोटल के साथ साथ टोटल लिखा हुआ है, मतलब टोटल हुआ पड़ा है और फिर यहां पर भी टोटल लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे F2 प्रेस करना है, फॉर्मूले को एडिट करना है और यहाँ पे लिखना है TO2, अंडरस्कोर लगाइएगा एक बार और फिर लिखिएगा TEXT टेक्स्ट। जैसे टू टेक्स्ट लिखिएगा तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। आप देखिए यहां पर M% यानी कि एंड लगाइएगा, यहां पे नहीं बल्कि यहां पे, ये लास्ट में, ये जो फॉर्मूला एंड हो रहा है इसके लास्ट में आपको M% लगाना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है। तो यहां से मैं लगा लेता हूं एंड या M% जो भी है, ठीक है। अब यहां पे डेमोनेटेड कोर्स में आपको देना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है वी अप्लाइड, कुछ भी जो भी लिखना हो, द फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया और डोमिनेटेड कोर्स को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया और दो ब्रैकेट क्लोज हो गए, एक ही ब्रैकेट रहेगा, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वी अप्लाइड द फॉर्मूला, ये देख सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है, रिजल्ट सेम है, ठीक है। और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से इसको ड्रैग करवा लेता हूं तो हर जगह ये वी अप्लाइड फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपका नंबर तो वही रहेगा, नंबर परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में गैप चाहते हैं तो यहां पे M% लगाने के बाद एक बार और M% लगा दीजिए गैप दे करके। तो ये गैप दे दिया हमने एक बार और फिर M% लगा दिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा गैप बीच में आने लगा है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां पर देखिए अब ये सब में थोड़ा थोड़ा गैप आएगा, तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। अब इसको फिक्स करने की बारी है, ये रैंड बिटवीन हमने लगा रखा था तो इसको फिक्स कर दिया जाए। राइट क्लिक करके कॉपी करना है, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहां से इसे बना देना है वैल्यू, पहले तो कॉपी करना है तो ये कॉपी किया और फिर यहां से जाकर के इसको बना देंगे वैल्यू ओनली, हो गया। तो ये काम हो जाता है हमारा बहुत ही आसानी से। टू टेक्स्ट फॉर्मूला ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इसको तो सेम इसी फॉर्मूले को एडिट कर लीजिए और यहाँ पे लगाइए टू टेक्स्ट में। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, टू लिखा, अंडरस्कोर टेक्स्ट TEXT ये लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर लगाना है एंड, ठीक है, ये एंड लगा दिया और एंड लगाने के बाद एक बार गैप दीजिए, डबल कोट्स को ओपन करिए, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एवरेज इज, ये लिख दिया, क्लियर। अब देखिए इसको बंद किया, एंटर किया तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है एवरेज इज, आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आई होगी आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।